तो है गाइस, और एक छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ। हालांकि मिनी ब्लॉग नहीं है क्योंकि 5 मिनट हो गया, जैसे तैसे मैंने सोचा था मिनी ब्लॉग बनाऊंगी लेकिन नहीं हुआ। तो चलिए बिना गप के सुबह का ब्रेकफास्ट दिखा दिया, छोले बनाया था और रोटी, बस वही था। और आज हम दोनों ने डिसाइड किया कि आज हम दोनों अलग अलग अपने अपने के लिए जो खुद पसंद है वो बनाएंगे बोल के। तो यहाँ पर वो अभी बना रहे थे पनीर, तो उनका ऑलरेडी 2 आइटम बनाना हो गया है तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले उन्होंने बनाया साग, इसे खुतरा साग बोलते, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, तो खुतरा साग। और ये है बनाना ट्री का जो अंदर में रहता है बीच में वो है, तो उसको हम लोग भराली बोलते हैं। और कुकर के अंदर है सुबह का बनाया हुआ छोला, तो इस तो मैंने ही बनाया था। और मैं यहाँ पर साफ़ सफाई भी थोड़ा बहुत कर रही थी क्योंकि मुझे ना मिक्सी जो व्हाइट कलर रहता है उसमें थोड़ा सा दाग लगने से इतना गुस्सा आता है। पहले मैं यहाँ पर विम लिक्विड से थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ। विम लिक्विड से करके देखिएगा, कुछ भी अगर हल्दी का दाग है तो चला जाता है, बहुत शाइन करता है। तो मेरा अभी देखिए, ये इनका खरीदा पहले का ही है, ऑलमोस्ट ये 10 साल से ऊपर हो गया मेरा मिक्सी, लेकिन अभी भी पूरा व्हाइट का व्हाइट ही है। देख ही सकते हैं कितना शाइन कर रहा है। और यहाँ थोड़ा सा पोज भी दे दिया था आप लोगों के साथ। और अभी देखिए, खाना वाना सब खत्म बनने के बाद मैं आपको मेरा वाला खाना दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते, चावल मैंने बनाया है और ये मैंने क्या बनाया था, ओह ये भाभी ने दिया सॉरी। और यहाँ पर है मेरा आइटम, ये बॉयल। और ये है मेरा स्पेशल मेनू आज का, तो ये है अखुनी चटनी, ये नागालैंड का स्पेशल डिश है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो ये भी बना लिया मैंने। और बनाया है मैंने यहाँ पर कोचू लोती, मतलब अब कोचू लोती को हिंदी में क्या बोलते हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना बता सकते हो अरबी का जो पत्ता रहता है, अरबी का गाछ का नीचे जो एक रूट निकलता है उससे बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर पम्पकिन का डंठल से यहाँ पर दाल बना लिया है। और ये रहा कोचू लोती जो इसके बारे में मैं बता रही थी, तो इसको मैंने ड्राई फिश के साथ बनाया है और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसका मैं आधा से ज़्यादा तो सबको दे दूँगी क्योंकि हम लोग सूखा मच्छी बनाने से, मतलब ड्राई फिश बनाने से सबको देना पड़ता है। तो बस ये, मतलब ये मेरा मेनू है और हस्बैंड का मेनू तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इतना ही आज का आइटम हम दोनों का मिलाकर। तो अभी आप खाना ख़त्म करने के बाद हम लोग थोड़ा सा बागान के लिए निकले थे, मतलब घर का पीछे में। तो मासी ने क्या क्या लगाया थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा देती हूँ। और यहाँ पर ना इस बार इतना अच्छा, मतलब ग्रीन चिली निकला है, तो पहले तोड़ लिया था आधा से ज़्यादा, लेकिन अभी और भी थोड़ा बहुत लगा हुआ है, मतलब 2 टाइप का है यहाँ पर। थोड़ा थोड़ा ऊपर के साइड में खड़ा टाइप में का मिर्ची भी, और डाउन की डाउन से मतलब नीचे झूला हुआ मिर्ची भी है। क्या बोलने में क्या बोल रही हो। और यहाँ देख सकते हैं ये भिंडी भी निकला हुआ है, बहुत कुछ निकल रहा है अभी धीरे धीरे। और पम्पकिन का गाछ भी लगाया है और खीरा का गाछ भी लगाया है। और इसे एक साग बोलता है, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर डंठल बोलते हैं, डाटा शाक बोलते सॉरी। और ये देखिए ग्रीन चिली थोड़ा बहुत लेके आ गई हूँ मैं भी घर पर। और ग्रीन चिली के साथ गरम गरम मतलब भात, आलू सिद्ध माखा जिसे हम लोग बंगाली में बोलते हैं, आलू बॉयल करके भात के साथ जो खाते हैं ना, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस अभी इसको थोड़ा घर पर रखकर थोड़ा तो बाहर फिर से निकली थी। और बाहर निकलने के बाद ही देखिए यहाँ पर बाबू मिल गया। तो इसके साथ थोड़ा सा खेलने लग गई थी, कभी कभी ना मुझे मेरा हंसी मुझे डर लग जाता है, इतना भयंकर हंसी निकलता है मेरा। तो उसका थोड़ी देर के लिए बाबू को लेकर मैं टहलने के लिए छत के ऊपर चली गई थी, बहुत मस्त हवा दे रहा था। और आजकल पता नहीं क्यों 2 बजे 1 बजे के बाद से, मतलब जो धूप रहता है सुबह का जो करकरा वाला धूप रहता है वो एकदम डाउन हो जाता है और एकदम अच्छा मौसम हो जाता है, पूरा हवा और पूरा एकदम ठंडा ठंडा सा एक फील आता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टहलने निकल जाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते बदमाशी बाबू का, वो कभी भी ठीक तरह से खड़ा नहीं होता है, फटाक से उठ जाता है पूरा एकदम, लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है इसके साथ खेलने में, मतलब रोता नहीं है लेकिन टाइम पास हो जाता है अच्छी तरह से। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा ये ब्लॉग ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और अगर नया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, छोटा छोटा ब्लॉग में लेके आती रहूँगी और दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में क्या कर सकती हूँ, क्योंकि अभी कहीं जाने का प्लान तो फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर कहीं गई तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो भी। तो तब तक के लिए मिलते हैं आप लोग अगले ब्लॉग पर।